नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय, आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे स्लाइडिंग विंडोज़ होते हैं या फिर ओपनेबल विंडोज़ या किसी भी तरह के विंडोज़ होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जहां पर विंडो लगा रहे हैं वो सरफेस इवन नहीं होती, यानी कि एक सीधी सरफेस नहीं होती जिसके ऊपर हम विंडो लगा सकें, या किसी कारण आप वहाँ पर कोई मार्बल या कोई स्टोन नहीं लगाते तो आपको डायरेक्ट वो वॉल के ऊपर ही लगानी होती है। तो इस केस में जो गैप्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं, जो गैप्स आते हैं ऊपर नीचे या विंडो के साइड्स में, तो इन गैप्स को फिल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि ये गैप जो है आगे जाकर पानी अंदर लीक होने का एक बहुत बड़ा सोर्स बनते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं सिविल वर्क में भी, जो सिविल वाले उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जो विंडोज़ का काम कर रहे हैं अगर उन्हें वो गैप्स फिल करना है तो वो उतने बड़े गैप्स को कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे अगर छोटे गैप्स हैं 3 mm से लेकर 5 mm तक के गैप्स, तो इन्हें तो आप सिलिकॉन सीलेंट से इजीली सील कर सकते हैं, लेकिन जो 2 इंच 2 इंच 2.5 इंच तक के जो गैप हो जाते हैं, इनका आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि 2 इंच से 2.5 इंच तक के जो गैप्स हैं उसको आप कैसे सील कर सकते हैं, और उसको सील करने के लिए क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए, और वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतने बड़े जो गैप्स हैं उनका क्या किया जाए। तो इतने बड़े जो गैप्स होते हैं विंडोज़ में, उनके अंदर वैसे तो आप बैकर रोल डालकर उसको सिलिकॉन से भी सील कर सकते हैं, बट सिलिकॉन जो है वो बाहर से जो उसकी परत जो नज़र आती है, चाहे वो ब्लैक सिलिकॉन हो, ब्लैक कलर का या वाइट कलर का या क्लियर सिलिकॉन हो, तो वो जो विंडो की फिनिश है वो उतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि वो ब्लैक कलर का सिलिकॉन अगर नज़र आता होगा तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कोई पेंट या कोई भी तरह की कोई भी मटेरियल आप उसको कवर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अनलेस आप उसके ऊपर से कुछ पेलमेट या और कोई कवरिंग आप उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो क्या किया जाए, तो एक मटेरियल है PU फोम, आप PU फोम को यूज़ कर सकते हैं इन गैप को सील करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा एक प्रैक्टिकल अपने साइट की वीडियो कि PU फोम को यूज़ करके हम इन गैप्स को कैसे सील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस विंडो के टॉप पार्ट में आप देख सकते हैं कि सरफेस अनइवन होने की वजह से गैप्स काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, करीब 1.5 इंच जितने गैप आए हुए हैं। तो इन गैप्स को हम सिलिकॉन से तो सील नहीं कर सकते, और अगर हम सिलिकॉन से सील करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अंदर का जो इंटीरियर है उससे वो जो सिलिकॉन किया हुआ जो सरफेस होगा वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसका सलूशन है PU फोम। आइए जानते हैं PU फोम के बारे में। PU फोम स्प्रे एक ऐसा मटेरियल है जिसे आप गैप में स्प्रे करते हैं तो ये एक्सपांड होकर उस गैप को पूरी तरह से सील कर देता है। अब इसकी जो बॉटल है वो दो तरह की आती है, एक आती है जिसे आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं जो कि आप अभी देख रहे हैं, और एक बॉटल ऐसी आती है जिसे आप गन के साथ में यूज़ कर सकते हैं जो कि कुछ इस टाइप की होती है। जब हम PU फोम स्प्रे गन के साथ यूज़ करते हैं, स्प्रे गन के साथ, तो हमारे पास में स्प्रेइंग पर ज़्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन गन जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और इसकी ज़रूरत शायद आपको डेली ना पड़े। इस वीडियो में हमने जो बॉटल यूज़ की है वो यूज एंड थ्रो वाली यूज़ की है, जिसे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बॉटल के साथ में हमारा जो स्प्रे है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। थोड़ा जो स्प्रे जब निकलता है बॉटल से वो थोड़ा अनकंट्रोल्ड निकलता है, आपको बहुत स्लो स्प्रे करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे जो है वो बाहर आ सकता है। इसको आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये करीब 500 रुपये में आपको मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इसका स्प्रेइंग प्रोसेस। स्प्रे करने से पहले आप सरफेस को साफ कर लें जहां आपको स्प्रे करना है, और आपके विंडोज़ पर जो प्रोफाइल्स हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले हैं स्प्रे के, वहां पर आप मास्किंग टेप लगा दें, क्योंकि PU फोम जो है सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है, तो जब आप उसके बाद उसे निकालेंगे तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा और वो कोटिंग को डैमेज कर सकता है।
मास्किंग टेप लग जाने के बाद हम स्प्रे करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्प्रे करने का सही तरीका ऐसा है कि आपको बॉटल उल्टी पकड़नी चाहिए, लेकिन इस केस में हम बॉटल को उल्टी नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि जो विंडोज़ का जो सरफेस है और जहां पर हम लैडर लगा सकते हैं ऊपर स्प्रे करने के लिए, उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, जिसके वजह से हम बॉटल को उल्टा रख कर स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी तरह से जिस तरह से स्प्रे हो रहा है, इसी तरह से बॉटल को उल्टा रखकर आपको स्प्रे करना है, जिससे आपको ऑप्टिमम स्प्रे जो है वो आप यूज़ कर पाएंगे। अब जैसे आप स्प्रे कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्प्रे जो है वो गैप्स को सील कर फोम जो है वो बाहर निकल रहा है। अब जो एक्सेस फोम है उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि ये फोम और 5-6 घंटों तक एक्सपांड होते रहेगा, तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे विंडो के जो सरफेस अनकवर्ड है उसके ऊपर आकर वो चिपक जाए और हमारे कोटिंग को डैमेज कर दे, इसलिए हम इसे निकाल दें। एक्सेस फोम निकालते वक्त आप ब्लेड या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी टूल्स को आप यूज़ करके ये फोम निकालेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि वो टूल शायद आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी होता है और इसे बाहर निकालना या सूखने के बाद इसे स्क्रेप करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर जो फोम है वो सूख जाता है और सूखने के बाद भी वो ज़्यादा एक्सपांड हुआ है और आपको अगर उसे साफ़ करना है, तो उस जगह पर आप ब्लेड यूज़ करके उसे काट के निकाल सकते हैं। पीयू फोम की खासियत यह है कि ये जब सूख जाता है तब आप इसे सैंड पेपर से घिसकर आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, तो ये आपके इंटीरियर से मैच हो जाता है और साथ ही साथ आपको ये जो गैप है वो भी सील कर देता है और पानी अंदर आने का जो चांस है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये सोल्यूशन काफ़ी इजी है, जो कि आप गैप को सील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी कि विंडोज़ में जो गैप्स आते हैं इनको कैसे सील किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे और कंटेंट्स हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।